लाठीचार्ज एवं शासन प्रशासन की ओर से इस प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही न करने के विरोध में जिले के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत। जुलूस निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन, एडीएम सिटी को एवं मुख्यमंत्री को संबोधित कर सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से किया शुभारंभ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय गोरखपुर परिसर में जिले के सैकड़ों लोग इस अभियान से ऑनलाइन जुड़कर आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से बने साक्षी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा नागरिक अधिकार पत्र लागू किए जाने के संबंध में गोष्ठी का किया गया आयोजन। नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए इसकी सुविधाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गैंग बनाकर लूट व चोरी का अपराध कारित करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने वार्ड नंबर 54 उर्वरक नगर का किया औचक निरीक्षण। वार्ड की सड़क, नाली, साफ सफाई व डोर डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि वार्ड में जाकर किया जा रहा है निरीक्षण। लोगों से कूड़ा गाड़ियों में देने के लिए किया जा रही है अपील। बढ़ते साइबर अपराध को लेकर एसएसपी ने जनपदवासियों से की अपील। कहा, साइबर ठगों से रहे सावधान। नौकरी और खेल के नाम पर खाते से उड़ा रहे रुपए। अनचाहे लिंक और मोबाइल ऐप को न करें ओपन। ठगी का शिकार होने पर 1930 पर करें शिकायत। गोरखपुर में 50 एकड़ में बनाया जा रहा है 3 नगर वन। जल्द ही नागरिक योगा, टहलना, रनिंग का नगर वन में ले सकेंगे आनंद। DFO विकास यादव ने दी जानकारी। वन विभाग द्वारा कुश्मी जंगल में बनाया जाएगा जंगल सफारी। शासन में भेजा गया है प्रस्ताव। जल्द ही गोरखपुर वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। DFO विकास यादव ने दी जानकारी। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल की बरामद। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज, मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं दिन भर के घटनाक्रमों पर। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज एवं शासन प्रशासन की ओर से इस प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही न करने के विरोध में बुधवार को जिले के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। उनके आंदोलन का आज 15वां दिन था। अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, संगठन के अध्यक्ष एवं मंत्री के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का जुलूस सिविल कोर्ट परिसर से निकलकर अंबेडकर चौक पर पहुंचा और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ताओं का जुलूस कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM सिटी को सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों अधिवक्तागण मौजूद रहे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय गोरखपुर परिसर में जिले के प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी सहित सैकड़ों लोग इस अभियान से ऑनलाइन जुड़कर आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से साक्षी बने। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गाँव को इसमें शामिल करना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुमंत्रालयी दृष्टिकोण अपनाया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी का सहयोग इतने विशाल लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना, ग्रामीणों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए आयुष्मान बैठकें आयोजित करना, आयुष्मान मेले का आयोजन और आयुष्मान आपके द्वार 3.0 पहल के अंतर्गत सप्ताह में एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के दौरे की व्यवस्था करना सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि भारत कई क्षेत्रों में नई तकनीक और कार्य पद्धतियों को अपनाने में बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का सितंबर 2021 में शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि भारत अन्य क्षेत्रों की तरह स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी डिजिटल समावेशन का उदाहरण स्थापित करेगा। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉक्टर राजेंद्र कुमार और डॉक्टर अंबुज श्रीवास्तव सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीणा ने कहा, देखिए आज माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो आयुष्मान भव कैंपेन है उसका शुभारंभ किया गया है। इसका एक विस्तृत शासनादेश जो है जारी हो चुका है। आयुष्मान भव कैंपेन में बेसिकली जो 5 घटक हैं, जिसमें से एक हमारा सेवा पखवाड़ा है जो 17 सितंबर से स्टार्ट होगा और 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसमें जो मेन गतिविधियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। उसमें स्वच्छता अभियान चलेगा, इसके अलावा रक्तदान अभियान है और जो अंगदान की शपथ है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मृत्यु के उपरांत चाहे कि अपना जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनका यूज़ किसी और व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए हो सकता है तो अंगदान की शपथ भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त उसमें आयुष्मान आपके द्वार 3.0 मतलब नया एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आयुष्मान कार्ड के जो भी लाभार्थी हैं हमारे, जो 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की सूची है, इसके अलावा जो अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं उन सबका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। एक नया पोर्टल इसमें लॉन्च होगा। इसके अतिरिक्त आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा जो हमारे सारे CHC PHC पे होगा। आयुष्मान सभाओं का आयोजन किया जाएगा जिसमें ग्राम पंचायत लेवल पे हमारी आशा ANM, हमारे ग्राम पंचायत के समस्त सदस्य, सफाई कर्मचारी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। और इस ये सभा का आयोजन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। इसमें सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा, सारे एस्पेक्ट पे, हेल्थ से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो, स्वच्छता के बारे में सभी लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो सबसे आखिरी कॉम्पोनेंट है इसका, वो है आयुष्मान नगरीय वार्ड या आयुष्मान ग्राम पंचायत। जो भी आयुष्मान के लाभार्थी हैं उस ग्राम पंचायत में, अगर वो सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन के जो डिस्ट्रीब्यूट अगर हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को या वार्ड को आयुष्मान ग्राम पंचायत या आयुष्मान नगर वार्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसमें प्रमुख सचिव सर के स्तर से ये आदेश भी हुआ है कि जो इसमें आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को इसमें रिवॉर्ड भी मिलेगा, ताकि बाकी लोग भी इससे मोटिवेट हों, रिकॉग्नाइज हों। और जो हमारा टारगेट है कि सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड बन जाए, सभी लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, वो कम्प्लीट हो। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में नागरिक अधिकार पत्र लागू किए जाने के संबंध में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए इसकी सुविधाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मंदिर सुरक्षा गोरखपुर, बड़े बाबू प्रभारी पासपोर्ट सेल, पुलिस कार्यालय के समस्त जांच मुंशी, समस्त क्षेत्राधिकारी के जांच मुंशी व समस्त थानों के जांच मुंशी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि नागरिक अधिकार पत्र से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए गुण दोष के आधार पर समयबद्ध तरीके से निस्तारण करना, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन, ठेकेदारी चरित्र सत्यापन, पीएम रिपोर्ट आदि से संबंधित प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। साथ ही आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने वाले थानों की समीक्षा करते हुए रैंकिंग के आधार पर 0-5 सबसे खराब थानों व 0-5 सबसे अच्छे थानों का चयन करते हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय को निर्देश एवं अच्छा प्रदर्शन करने वाले थानों को पुरस्कृत करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आज जनपद गोरखपुर के पुलिस लाइन के सभागार में सिटीजन चार्टर के संबंध में एक बैठक की गई। विभिन्न सुविधाएं जो पुलिस विभाग के माध्यम से आम जनता को दी जाती हैं, उस संबंध में जो हमारे एसपी ऑफिस साहब हैं, सभी जो हमारे मद हैं और प्लस हमारे जो थाने हैं वहाँ के पुलिसकर्मियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इसमें विशेष रूप से पासपोर्ट वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, चाहे वो नियुक्ति के लिए हो, जॉब के लिए हो, या ठेकेदारी के लिए जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम की कॉपी प्राप्त करना, फायर सर्विस और ट्रैफिक से संबंधी जो चलान है, इस संबंध में जो सिटीजन चार्टर में दिए गए समय अवधि है उसका अक्षर से पालन हो, समय से ये सारी वेरिफिकेशन हो करके समय से वो सर्टिफिकेट्स जारी हों, थाने पर या अन्य मदों में जहाँ जहाँ से ये प्रक्रिया होकर के गुजरती है वहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं उस संबंध में यहाँ चर्चा की गई। यही निर्देश दिए गए कि इन सभी तरह की वेरिफिकेशंस में जो समय अवधि दी गई है उसका पालन हो। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिए यूपी कॉप ऐप काफ़ी समय से लॉन्च की गई है, तो इसमें यह भी बताया गया कि यूपी कॉप ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और अधिकतम जो हमारे एप्लीकेशन हैं उसी के माध्यम से आए। तीसरा, इस संबंध में प्रत्येक माह थानों की एक रैंकिंग जारी करने के निर्देश नोडल ऑफिसर को दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पर ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं प्रत्येक थाना किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका एवरेज टाइम क्या लग रहा है, उस हिसाब से सबसे अच्छे थाने और सबसे खराब थानों की हर महीने एक रैंकिंग जारी हो ताकि ये पता चल सके कि कहाँ अच्छा काम हो रहा है और उसको प्रोत्साहित किया जा सके और जहाँ खराब काम हो रहा है उनको दंडित किया जा सके। मेरी आपके माध्यम से गोरखपुर वासियों को यही अपील है कि यदि आपको किसी भी तरह की समस्या इन सर्टिफिकेट्स को प्राप्त करने में आती है तो इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम भी जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि इसमें एक कॉलिंग नंबर भी जारी किया जाएगा, तो आप उस पर या पुलिस ऑफिस में आकर इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं। इस संबंध में कोई भी आपको समस्या आ रही है आप हमारे नोडल ऑफिसर या पुलिस ऑफिस में आकर अधिकारियों को जानकारी दें, तत्काल आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और अगर किसी पुलिसकर्मी द्वारा इसमें किसी प्रकार का नियम विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आने वाले दिनों में जनता के व्यक्तियों को सिटीजन चार्टर में दी गई सर्विसेज का समय अवधि के भीतर और गुणवत्ता पूर्वक सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाए इसके लिए आज ये मीटिंग की यहाँ पर आयोजन किया गया। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291।
अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग बनाकर लूट व चोरी का अपराध कारित करने वाले 3 अपराधियों के विरुद्ध कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि गैंग बनाकर लूट व चोरी करने के अपराधों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गैंग लीडर मनीष चौहान पुत्र राजू चौहान, सह अभियुक्त विपुल कुमार पुत्र जय सिंह व प्रिंस चौहान पुत्र पहरा चौहान के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति की जानकारी कर उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली द्वारा जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों में लूट एवं चोरी की घटना कारित करने वाली एक ऐसे गैंग जिसमें मनीष चौहान, प्रिंस और विपुल नामक 3 लोग हैं, जिन पर क्रमशः 5, 4 और 3 मुकदमे दर्ज हैं। इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग थाना कोतवाली द्वारा पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत होने के उपरांत इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और इनके द्वारा जरायम की दुनिया से कमाई गई जो भी संपत्ति है उसको भी में। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बुधवार को वार्ड संख्या 54 उर्वरक नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने वार्ड में सड़क, नाली, मोहल्लों की साफ सफाई, वार्ड में सड़क, नालियों, पार्कों की स्थिति व डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण में वार्ड में कई जगह स्ट्रीट लाइट जलते हुए पाए गए, जिसे निरीक्षण कर ठीक कराने हेतु अशोक सिंह सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया और उर्वरक नगर में जगह जगह नाला, स्लिट, कूड़े से भरा हुआ मिला एवं कई जगह नालियों की सफाई नहीं होने से नाले का पानी सड़क पर बहता हुआ पाया गया, जिस पर तत्काल सफाई निरीक्षक राजेश श्रीवास्तव को वार्ड के समस्त नाले व नालियों की सफाई कराकर पूरे वार्ड में नियमित रूप से एंटी लार्वा का छिड़काव एवं शाम के समय फॉगिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही पार्षद द्वारा शिव मंदिर के सामने 2 एकड़ 63 डिसमिल सीलिंग की जमीन नगर आयुक्त महोदय को दिखाई गई। उक्त जमीन की जांच कराकर पैमाइश हेतु नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया और पार्षद द्वारा तेनहुई एवं बिचाऊपुर के बीच स्थित पोखरे को दिखाकर बताया गया कि छठ पर्व पर यहां लगभग 5 से 6 हजार के बीच श्रद्धालु आते हैं। नगर आयुक्त द्वारा उक्त पोखरे को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किए जाने हेतु अवर अभियंता राजकुमार को निर्देशित किया गया। वार्ड में बना पंचायत भवन काफी जर्जर हो चुका है, जिसकी मरम्मत कराने हेतु अवर अभियंता राजकुमार को निर्देशित किया गया। उक्त पंचायत भवन का मरम्मत करके नगर निगम द्वारा वार्ड कार्यालय बनाया जाएगा, जहां पर वार्ड के सफाई कर्मचारियों के झाड़ू, बेलचा, खपाची, चूना, मैलाथियन एवं अन्य सामान्य उपकरण रखे जा सकेंगे। वार्ड कार्यालय में ही वार्ड की गाड़ियां खड़ी की जाएंगी। आवास विकास कॉलोनी उर्वरक नगर में कुल 14 पार्क बने हुए हैं, किंतु देखरेख के अभाव के कारण उक्त पार्कों में बड़ी बड़ी घास एवं पेड़ उग गए हैं। नगर आयुक्त द्वारा अवर अभियंता राजकुमार को उक्त समस्त 14 पार्कों को की मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर पार्षद आनंद साहनी सहित अन्य लोग नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य वार्ड में जाकर निरीक्षण किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो कूड़ा को कूड़े की गाड़ियों में ही डालें। कोई भी कूड़ा सड़क पर ना फेंके, यदि कोई सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए पाया जाएगा तो उसका चालान भी किया जाएगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए ₹100 यूजर्स चार्ज भी लिया जा रहा है, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और गोरखपुर स्वच्छ व सुंदर बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, कूड़ा कलेक्शन के लिए भी आज हम मेयर सर के द्वारा वार्ड नंबर 8 में जरगांव में निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी लोगों से अपील की गई कि अपने घर का कूड़ा सड़कों पर ना फेंकें, नगर निगम के द्वारा दी जा रही गाड़ियों में ही फेंकें। सड़कों पर कोई कूड़ा फेंकता है तो उसका चालान भी किया जाएगा और ₹100 का यूजर चार्ज लिया जा रहा है, ताकि यह व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। तो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आपके भी माध्यम से गोरखपुर वासियों को निर्देशित किया, आदेश आग्रह किया गया है सबसे कि अपने घर का कूड़ा नगर निगम के द्वारा दी जा रही गाड़ियों में ही फेंके, सड़कों पर ना फेंके, अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने आसपास स्वच्छता रखें, ताकि शहर को स्वच्छ बनाने में। अगर आप भी कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर अपनी ही गाढ़ी कमाई की रकम गंवा बैठे। इन दिनों साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए नया तरीका अपनाया है। इसके तहत वह पार्ट टाइम नौकरी, अलग अलग खेल के नाम पर धोखाधड़ी करके लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। शहर में रहने वाले कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश भुक्तभोगियों के पैसे भी वापस नहीं हो सके हैं। बढ़ते साइबर अपराध को लेकर अब तक पुलिस की ओर से भी लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि साइबर अपराधी ठगी करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। लोगों को लालच में नहीं फंसना चाहिए और साइबर अपराधियों से सतर्क रहना चाहिए। अनचाहे लिंक और मोबाइल ऐप को ओपन ना करें। नौकरी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं। किसी भी खेल को खेलने से पहले नियम जान लें। ठगी का शिकार होने पर 1930 पर शिकायत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए विभिन्न माध्यमों से जानकारियां होती हैं कि आजकल साइबर फ्रॉड्स के मामले काफी संज्ञान में आ रहे हैं, जिसमें फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाता है, उनकी बैंक की डिटेल्स मांगी जाती हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी जाती हैं, फिर उनको प्राप्त करके या तो फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है या उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फोटोज को यूज करके, मिसयूज करके उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। इस मामले में आप सभी से अपील है कि जिसको आप नहीं जानते हैं या जिसके साथ आपका संपर्क नहीं है, ऑनलाइन अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ बता रहा है तो तब तक उस पर विश्वास ना करें जब तक कि वेरीफाई ना हो जाए, और किसी भी व्यक्ति से अपने बैंकिंग पासवर्ड, पिन कोड या जो भी आपके फोन पर बैंक द्वारा भेजी गई सूचना है उसको किसी के साथ भी शेयर ना करें। और जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें तो ये दिमाग में रखें कि कहीं किसी प्रकार की ये ऑनलाइन फ्रॉड को आप शिकार ना हों। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। DFO विकास यादव ने नगर वन बनाए जाने पर कहा कि इस समय काफी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन गोरखपुर काफी भाग्यशाली है कि गोरखपुर में कुश्मी जंगल है और आसपास में काफी वन क्षेत्र उपस्थित हैं। लेकिन इसको और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए गोरखपुर शहर के अंदर 3 नगर वन की स्थापना की जानी है। ये हर नगर वन 50 हेक्टेयर का है और इसमें हमने 1,00,000 पौधों का रोपण किया है। अभी बारिश का समय चल रहा है, इसमें पौधे काफी स्वस्थ हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जल्द ही इस नगर वन को आम नागरिक के लिए खोला जाएगा, जिसमें नागरिकों के लिए सुविधा भी दी जाएगी, जो कि चिड़ियाघर के बगल में खोला जा रहा है जहाँ पर नागरिक रनिंग, टहलने, योगा कर सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा, देखिए जो आज का परिवेश है, जिसमें शहरों में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, गोरखपुर एक इस मामले में काफी भाग्यशाली है कि क्योंकि हम गोरखपुर के पास में खुशमी जंगल है और काफी अच्छे वन क्षेत्र उपस्थित हैं। उसके साथ ही और इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वनों को बढ़ाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन टैंक या ऑक्सीजन एक सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने गोरखपुर सिटी के पास में और ये गोरखपुर सिटी के अंदर 3 कुल मिलाकर नगर वन की स्थापना की है। ये प्रत्येक नगर वन 50 हेक्टेयर का है और इसमें हम लोगों ने लगभग 1,00,000 पौधों का रोपण किया है। अभी वर्षा काल चल रहा है और इसमें पौध बड़े स्वस्थ हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जल्दी हम लोग इस नगर वनों को आम जन के लिए खोलेंगे और उसमें आम जन के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी डेवलप की जा रही हैं। आमजन के लिए एक अच्छा ये सौगात रहेगा जहां वो जाकर अपना मॉर्निंग वॉक, योगा या बच्चों के खेलने की सुविधाएं, इस तरह का काम किया जा सकता है। ये चिड़ियाघर के बगल में 150 एकड़ का जमीन है जहां पर हम लोगों ने अभी इसको एज ए सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा कुश्मी जंगल को जंगल सफारी बनाया जाएगा, जिसके संबंध में DFO विकास यादव ने बताया कि कुश्मी जंगल प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है और यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छे स्थल उपलब्ध हैं। यहाँ पर विनोद वन है जहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और बुढ़िया माता का दर्शन करते हैं। इसको इको टूरिज्म स्पोर्ट्स की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा।
इसमें सफाई, नेचर वॉक, एडवेंचर सहित रात्रि विश्राम के लिए पर्यटकों को सुविधा दी जाएगी, जिसका प्रस्ताव शासन में भेजा गया है। जल्द ही स्वीकृति मिलने के बाद कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये गोरखपुर के पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DFO विकास यादव ने कहा, कुशमी जंगल प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है और यहाँ पर पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छे स्थल उपलब्ध हैं। यहाँ पर विनोद वन है जहाँ अत्यधिक मात्रा में पर्यटक आते हैं और बुढ़िया माता का मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ प्राकृतिक संपदा को देखने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया है, जिसमें इको टूरिज्म स्पोर्ट्स की तरह इसको डेवलप किया जाएगा। इसमें सफारी, इसमें नेचर वॉक, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट और रात्रि विश्राम के लिए पर्यटकों को सुविधा दी जानी है। ये प्रस्ताव हम लोगों द्वारा शासन को भेजा गया है, वहाँ ये लंबित है। आशा है कि जल्दी ये स्वीकृत होगा और गोरखपुर के लोगों और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को एक अच्छी सौगात मिलेगी। देखिए, हम लोग लगातार इसमें परसू कर रहे हैं प्रस्ताव को जल्दी जल्दी स्वीकृत कराने के लिए। कुछ उसमें आपत्ति आई थी, उसको भी निराकरण करके भेज दिया गया है और उम्मीद है कि जल्दी। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान जितेंद्र सोनकर पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल सोनकर निवासी रानीबाग थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा जितेंद्र निषाद पुत्र राम किशोर निषाद निवासी पथरा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि आवेदक द्वारा अपनी गाड़ी बजाज पल्सर चोरी हो जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें थाना रामगढ़ताल पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि पल्सर मोटरसाइकिल को करीब 1 माह पूर्व गंगा पेट्रोल पंप के पास से चुराई गई थी तथा मोटरसाइकिल पैशन प्रो को तुर्कमानपुर से चुराई गई थी, जिसके संबंध में थाना राजघाट पर मुकदमा पंजीकृत है। पकड़े जाने के डर से कूट रचना करके किसी अन्य गाड़ी के नंबर को देखकर नंबर प्लेट तैयार कर मोटरसाइकिल पर धोखा देने की नीयत से लगा दी गई थी तथा मोटरसाइकिल का वास्तविक नंबर प्लेट निकाल कर फेंक दिया गया था। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह, फलमंडी चौकी प्रभारी शाहिद सिद्दीकी, आजाद नगर चौकी प्रभारी कमलेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव, ज्ञानधारी पाल